हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, राज क्लास के एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार बोर्ड क्लास 10th के जो विद्यार्थी है जो 2023 में इस बार एग्जाम देने वाले हैं, उन्हीं के लिए वीडियो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसमें हम जो बात करेंगे संस्कृत के बारे में बात करेंगे। संस्कृत में यह 7 नंबर का हमें पूछता है अनुच्छेद लेखनम। अनुच्छेद लेखन जो संस्कृत में लिखने वाला, यह 7 नंबर का हमें क्वेश्चन पूछता है। अगर जो यह वीडियो अगर आप पूरा कंप्लीटली समझ लेते हो, देख लेते हो, तो आपको 7 नंबर जरूर से जरूर मेरे दोस्त यहां पे आ जाएंगे। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है बिहार बोर्ड कक्षा 10 के जो विद्यार्थी है उन्हीं के लिए जो संस्कृत सब्जेक्ट जिसके पास है। उसी में हम बात करते हैं अनुच्छेद लेखन में गंगा नदी आता है जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, सबसे ज्यादा बार पूछा गया यह प्रश्न है गंगा नदी। इसी का पूरा डिटेल हम आपको इसमें समझाने वाले हैं और बहुत आसान भाषा में समझ जाइएगा और खुद ब खुद इसका ट्रांसलेट यानी अनुवाद आप लोग खुद ब खुद कर लीजिएगा। अगर जब वीडियो को पूरा समझ जाते हैं तो आपके लिए बहुत ही आसान रहेगा पूरा देखने के बाद। तो चलिए हम समझते हैं, पूरा समझाते हुए एकदम तोड़ तोड़ कर इस चीज को पूरा हिज्जे जो होता है ना वह करके एक एक शब्द एक एक शब्द का हिज्जे करके मैं यहां पर आपको समझाने वाला हूं गंगा नदी पर। तो गंगा नदी पर हमें अनुच्छेद लिखना, अनुच्छेद लेखन हमें संस्कृत में रहता लिखने के लिए 7 नंबर वाले के क्वेश्चन में। तो चलिए हम समझते हैं क्या है गंगा नदी नाम रानी कथ्यते, यानी गंगा है वह नदियों का रानी कहलाती है। जो गंगा नदी है वह नदियों को आपस यानी नदियों की रानी किसे कहा जाता है, तो गंगा नदी को नदियों की रानी कहा जाता है। तो इसका क्या है गंगा नदी नाम रानी कथ्यते, तो गंगा नदियों की रानी कहलाती है। फिर है यम नदीसु पवित्राम पवित्रतमा अस्ति, यानी यह नदियों में सबसे पवित्र है, यानी यह नदियों में पवित्र है। फिर है यम हिमालयस्य गोमुखात निःसृति, यह निःसृति के बाद निःसृता लिख सकते हैं, बंगोप सागरे पतति, ठीक है, यानी यह जो है हिमालय से हिमालय के गोमुखात यानी गोमुख जगह है वहां से निकलती है और कहां पर गिरती है बंगोप सागरे यानी बंगाल की जो सागर है वहां पर वह गिरती है, वहां पर वह गिरती है। यानी कह रहा है कि जो गंगा है वह हिमालय के गोमुख जगह से वह निकलती है और बंगाल के सागर जो बंगाल की है वहां पर वह गिरती है, वहां पर तक वह जाती है। फिर है अस्य जलम कदापि मलयम न भवती, यानी क्या है अस्य जलम कदापि न भवती, यानी इसका जो जल है कभी क्या होता है गंदा नहीं होता है, ठीक है, कभी खराब नहीं होता है गंगा का जल, यानी जिसको हम लोग गंगा जल कहते हैं। और हिंदुओं में सबसे ज्यादा पवित्र चीज इसी को माना जाता है, किसी भी पूजा पाठ होता है तो गंगा का जल यानी जिसको हम लोग गंगा जल कहते हैं वह होना आवश्यक है। हम लोग सावन में बोलबम में भी जाते हैं तो वहां पर क्या चढ़ता है भोले बाबा पर, तो गंगा का जल चढ़ता है, सबसे पवित्र चीज होती है यहाँ, ठीक है। वही यहां पे हमने यहां पे ऐड कर दिए हैं कि अस्य जलम कदापि मलयम न भवति, यानी इसका जल कभी गंदा नहीं होता है, खराब नहीं होता है। फिर है अस्य तटे अनेकानि, अनेकानि की जगह पर हम लोग नाना प्रकार लिख सकते हैं, नाना यानी अस्य तटे अनेकानि नागराणि तीर्थ स्थानी च सनति, यानी जो इसके तट पर है अनेक बड़े शहर और अनेक तीर्थ जगह जो है स्थापित है, यानी यहां पे हम फिर से देखिएगा अस्य तटे अनेकानि यानी इसके तट पर अनेक नागराणी यानी नगर यानी शहर, तीर्थ स्थानानि यानी तीर्थ स्थल च सनति यहां पर स्थित है, अवस्थित है, रुका हुआ है। फिर है हिंदू जनः इयम माता कथयन्ति, यानी हिंदू जो जन है हिंदू लोग इसको अपना माता कहते हैं, ठीक है। फिर यहां पे आगे है इयम मंदाकिनी गंगोत्री भागीरथी इत्यादि कथ्यते, यानी इसको इसका जो नाम है अलग अलग प्रकार से नाम है, यानी इसको मंदाकिनी गंगोत्री भागीरथी इत्यादि कहते हैं। फिर है अस्या जलम प्रत्येक हिंदू गृह तिष्ठते, यानी इसका जो जल है प्रत्येक हिंदू के घर में रहता है, स्थिर रहता है, उसका होना अनिवार्य रहता है। यह जो गंगा नदी है ना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है 2023 में जो एग्जाम होने वाले हैं उस सभी विद्यार्थियों के लिए। तो इसको एक बार फिर से समझ लीजिएगा, आपको पूरा जो जितनी डाउट है संस्कृत से संबंधित गंगा नदी से संबंधित सब आपका डाउट्स क्लियर हो जाएगा इस वीडियो में मेरे दोस्त। फिर से समझिएगा
मैं शुरू से एक बार लास्ट वर्ड सीधे पढ़ दे रहा हूं, उसके बाद फिर इसको समझा दूंगा। क्या है? गंगा नदी नाम रानी कथ्यते, इयम नदीसु पवित्रतमा अस्ति, इयम हिमालयस्य गोमुखात् निःसरति बंगोपसागरे पतति, अस्य जलम कदापि मलियम न भवति, अस्य तटे अनेकानि नगराणि तीर्थस्थानानि च सन्ति, हिंदू जनः इयम माता कथयन्ति, इयम मन्दाकिनी गंगोत्री भागीरथी इत्यादि कथ्यते, अस्य जलम प्रत्येक हिंदू गृह तिष्ठते। फिर से आपको समझाते हुए चलेंगे, क्योंकि यह जो है ना, इसको एक बार दो बार हम समझा देंगे, दो बार तीन बार आपको इस वीडियो के माध्यम से हम समझा देते हैं ना, तो आपको दूसरा वीडियो देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा, और बहुत ही आसान भाषा में हम आपको यहाँ समझाए हैं, और यह आपको लिख दिए। इसको आप आराम से नोट डाउन कर लीजिएगा, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है मेरे दोस्त। तो फिर से देखिएगा, गंगा नदी नाम रानी कथ्यते, गंगा नदियों की रानी कहलाती है, इयम नदीसु पवित्रतमा अस्ति, यह सबसे पवित्र नदी है, यानी यह पवित्र नदी है, इयम हिमालयस्य गोमुखात् निःसरति बंगोपसागरे पतति, यह हिमालय की गोमुख से निकलकर बंगोपसागर में गिरती है, अस्य जलम कदापि मलियम न भवति, इसका जल कभी गंदा नहीं होता है, कभी खराब नहीं होता है, अस्य तटे अनेकानि नगराणि तीर्थ स्थानानि च सन्ति, इसके तट पर अनेक शहर और तीर्थ स्थल स्थित है, यानी है, हिंदू जना इयम माता कथयन्ति, हिंदू लोग है इसको अपना माता कहते हैं, यानी माता कहते हैं, ठीक है, इयम मंदाकिनी गंगोत्री भागीरथी इत्यादि कथ्यते, यानी इसको मंदाकिनी गंगोत्री भागीरथी इत्यादि कहते हैं, अस्य अस्य जलम प्रत्येक हिंदू गृह तिष्ठते, इसका जो जल है प्रत्येक हिंदू के घर में रहता है। तो मेरे दोस्त, ये चीज आपको पूरा अच्छी प्रकार से समझ में आ गए होंगे गंगा नदी। इसी प्रकार से और जो महत्वपूर्ण जो आपके लिए अनुच्छेद लेखन होंगे, हम आगे की वीडियो में लाते रहेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा है, आपको समझ में कितना आया है, हमें एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर बताइएगा। अगर जो इस चैनल पर आप नए हैं तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे दोस्त, क्योंकि इसी तरह का वीडियो हम लगातार लाते रहेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरे दोस्त, जय हिंद।